हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट ड्रिंक फॉर समर, यानी गर्मी में पीने वाले अच्छे जबरदस्त कौन कौन से ड्रिंक हो सकते हैं जो कि आप गर्मी में ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, गर्मी के दिनों में पीने वाले काफी सारे कोल्ड ड्रिंक यानी सॉफ्ट ड्रिंक आ जाते हैं मार्केट के अंदर, जो सबसे ज्यादा पिया जाता है, लेकिन उसको पीने से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। आप लोग ये सोचते हैं कि कोई भी फ्रिज में रखा हुआ ड्रिंक है, अपने स्वाद के हिसाब से हम उसको पी सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको स्वस्थ रहना है, सही रहना है, तो आप हमेशा सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें। सॉफ्ट ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहिए, अगर इसके बारे में प्रॉपर जानना चाहते हैं, तो मैंने बिल्कुल ये पिछली वीडियो मैंने इसी के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें कोल्ड ड्रिंक यानी कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। आपको आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। आप वो जरूर देखें ताकि आप जो है कोल्ड ड्रिंक को छोड़ करके ऐसा ड्रिंक पिए जो कि आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करे। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी सारी की सारे पहले की इमेजेस हैं। अगर मैं ऐसे से ऐसे हुआ हूं तो मैं सारे के सारे आयुर्वेद के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया हूं, तब जाकर के मैं ऐसे से ऐसा हुआ हूं। बहुत सारे रोगों से ग्रसित रहा मेरी पूरी की पूरी लाइफ बचपन से, लेकिन आज के डेट में मैं बिल्कुल 100% स्वस्थ हूं, अगर तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के वजह से और सही रूल्स रेगुलेशंस के वजह से, जिस पर मैं आप लोगों को भी लेकर के चलना चाहता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लोग चैनल के माध्यम से अब जान रहे हैं, सो प्लीज अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पर मिलेगा आपको बिल्कुल 100% सही चीज, सही बातें बताई जाएंगी, जो मैंने अपने 15-20 सालों के अंदर अनुभव किया है, खुद यूज किया है, और खुद जिसका परफेक्ट बेनिफिट रहा है, वो सारी चीजें मैं लेकर के इस चैनल पर आऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं समय को न गवाते हुए कि हम लोगों का गर्मी के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक कौन सा हो सकता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मैंगो जूस की, जो कि आपको हर जगह अवेलेबल है। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ना पिए, कोल्ड ड्रिंक जब भी पीने का मन करता है तो आप जो है मैंगो जूस पी सकते हैं। मैंगो जूस के अंदर जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहां पर इतनी सारे मेरे पास बोटल्स हैं। एक्चुअली ये सारा का सारा मेरा लगभग एक वीक का मेरा कोटा होता है, जो कि जब भी जैसे भी खत्म होता है मैं लेकर के आता हूं। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं फ्रूटी, तो आप फ्रूटी भी ले सकते हैं। ये 600 ml का जो है आपको मिल जाता है 35 rupees में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये रहा माजा, माजा भी आपको मिल जाता है 600 ml के अंदर, 38 rupees के अंदर आपको ये माजा मिल जाता है। 600 ml के अंदर है, यानी कि अगर 2-3-4 फैमिली के साथ में अगर आप हैं तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक्चुअली 200 ml जो होता है एक आदमी के लिए एनफ होता है, आप एक बार में 200 ml ही पियेंगे तो आपके बॉडी के लिए सही होगा, उसके बाद अगर ज्यादा पीते हैं तो वो वेस्टेज है, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उसके बाद जो है मार्केट में हर जगह आपको स्लाइस मिल जाता है, यानी कि अगर जहां पर कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है वहां पर आपको स्लाइस, माजा या फिर फ्रूटी के अंदर के तीनों में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। उनमें से आप कोई सा भी पिए, आपको जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। जबरदस्त बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे यहां मिलता है, जो मैं यूज करता हूं, वो पतंजलि का मैंगो ड्रिंक यूज करता हूं सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर जो है जो रियल फ्लेवर होता है, जो एक्चुअल फ्लेवर होता है वो मिलता है आपको, किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं होता इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअल मैंगो ड्रिंक ये होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी मिलावट आपको नहीं मिलेगी। और ये 500 में अगर हम बात करें, 500 ml में छोटा आता है, जो 30 rupees यानी 30 rupees में आता है। और अगर इसी की हम बात करें 1 liter में,
तो एक लीटर में ये आपको मिलता है 50 रुपीज में। तो अगर आपको जो है फैमिली के अंदर लेकर के रखना है तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको एक लीटर का लेने में, क्योंकि वहां पर आपको 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आधे लीटर में आपको मिलता है 30 रुपए का और ये एक लीटर में आपको मिल रहा है 50 रुपए में। तो आप 50 रुपए का लेकर के फ्रिज में रखें और रख करके आप ये जरूरी नहीं, एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं आप जब खोल देंगे तो उसको खत्म करना जरूरी होता है, क्योंकि वो बाद में खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उसका काम नहीं रह जाता आपको ऐसा लगता है। तो एक्चुअली उसका जो भी काम है वो बहुत ही हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। लेकिन ये जो होता है एक्चुअली ये जूस है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप इसको खोल करके थोड़ा पी करके बच जाता है तो आप रख भी सकते हैं, आप बाद में भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं इससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके अंदर यानी कि आम का जो जूस होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो होता है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, जो सभी प्रकार के होने वाले कैंसर्स को दूर रखने में जो है आपका बहुत बड़ा मदद करता है कोई भी आम का जूस जो है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पतंजलि, जो कि हर जगह मिल जाता है, आप इसका यूज करें। बिल्कुल किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलरिंग वगैरह हो गया, आर्टिफिशियल कोई भी फ्लेवरिंग वगैरह हो गया, कुछ भी मिक्सअप नहीं है, बिल्कुल रियल देता है ये आपको। और उसके बाद जो है इसके अंदर मिलता है आपको विटामिन ए, जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट होता है। और अगर आप इसको लगातार सेवन करते हैं पूरी गर्मियों में, तो गर्मियों की वजह से कई बार आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, आंखों के रोशनी में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, काफी धूप में जाते हैं, फिर काफी धूप में चलने का वर्क है आपका, तो आंखों को बहुत ही ज्यादा हानियां होती हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपके लिए बेनिफिट होता है इसका, और आपके डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करता है, बहुत ही जबरदस्त इसका काम होता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो आप इसको लें, आपका डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही जबरदस्त करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके बॉडी के अंदर बढ़ाता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त ये वर्क करता है। कोई भी रोग होने से जो है ये दूर भगाता है, यानी कि कोई भी रोग अगर होने वाला है तो उसको आने नहीं देता, बहुत ही जबरदस्त आपके बॉडी का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजबूत कर देता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपको लू चल रही है, गर्मी में लू चल रही है, लू में अगर आपको कहीं जाना है तो आप 200 ml आप मैंगो फ्रूट पी करके चल दीजिए, लू का असर आप पर नहीं होगा, इतना जबरदस्त इसका बेनिफिट होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप जो है इसको कभी भी खाली पेट ना लें, खाली पेट मैंगो जूस अवॉइड करें, बाकी और भी सारे होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, गर्मी में बहुत सारे ड्रिंक है पीने के लिए, उसके बाद जो है आप पी सकते हैं फ्रूट जूस। फ्रूट जूस जो है इसके अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त जो है एनर्जी मिल जाती है, अगर कहीं से भी आ रहे हैं थके हारे तो आप इसको पी सकते हैं। करीब करीब 58 किलो कैलोरीज एनर्जी इसके अंदर मिल जाती है, जो कि बहुत ही जबरदस्त होता है गर्मियों के लिए। और उसके बाद जो है इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही जबरदस्त, यानी 40 mg मिलता है इसके अंदर विटामिन सी, जो कि आपके शरीर के लिए, आपके त्वचा के लिए बहुत ही जबरदस्त ये जो है वर्क करता है। और बहुत ज्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाद में हम वन बाय वन करके जब हम बात करेंगे तो सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन जबरदस्त ये है मिक्स फ्रूट जूस जो कि आप पी सकते हैं, त्वचा को खूबसूरत बनाएगा, डाइजेशन सिस्टम को सही रहेगा, इसमें कोई भी फैट नहीं बनेगा। और वहीं पर अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके बॉडी में फैट इकट्ठा होने का बहुत ही जबरदस्त चांसेस बन जाता है, तो आप इसको जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पिया जाने वाला है गर्मियों में, ये ऑरेंज जूस यानी कि संतरे का जूस, ये बहुत ही जबरदस्त वर्क है गर्मी में इसका, ये त्वचा के लिए बहुत ही जबरदस्त वर्क करता है, डाइजेशन सिस्टम आपका जबरदस्त रखता है। इसके अंदर जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि गर्मियों में होने वाले जितने भी हार्मफुल तत्व आपके बॉडी में हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके अंदर जो साइट्रिक एसिड मिलता है वो बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है इसका, खास करके गर्मियों में। और जब आप इसको लेते हैं आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है और आपका त्वचा जो है बहुत ही जबरदस्त होता है, बिल्कुल त्वचा निखर जाती है आपकी, तो आप जो है इसको पी सकते हैं। बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं जो कि आप इस तरीके से पी सकते, जो मेन है वो मैं लेकर के आया हूं। उसके बाद अगर हम बात करें मौसमी, जैसे कि आपने देखा ये मैंगो का, तो पतंजलि का मौसमी में भी मिल जाएगा। अगर मौसमी आपको बाजार में, एक्चुअली होता क्या है कि बाजार में जब आप जाते हैं तो वहां पर जो उनकी जो मशीन होती है वो अगर कुछ टाइम रुक गई है तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है, आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर साफ सुथरी मशीन है तो एक्चुअल जो आप मौसमी का जूस जो बना करके लेते हैं उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से आपको टाइमली नहीं मिल पा रहा है, अगर थोड़ा सा आप जहां पर भी हैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आप हमेशा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप पतंजलि के अंदर ही मौसमी का भी आपको जूस मिल जाएगा, जो कि आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त इन स्किन के लिए फायदा करता है। एक्चुअली मौसमी का जो टेस्ट होता है नींबू और ये
संतरे का मिक्सअप होता है और बिल्कुल उसका परिणाम भी जो है दोनों का मिक्सअप ही मिलता है, तो बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव होता है अगर आप इसी सेम पैक में आता है मौसमी का जूस। और मौसमी के अंदर भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि जितने भी आपके हानिकारक तत्व हैं आपके बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालने का काम करता है। और एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल्स भी होते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि त्वचा बहुत ही जबरदस्त निखरती है अगर आप मौसमी का जूस पीते हैं तो। और बालों में डैंड्रफ वगैरह है तो वो भी बिल्कुल भी हटते हैं। बालों में चमक की कमी है, बाल कमजोर हैं आपके, त्वचा में चमक की कमी है, तो अगर परमानेंट रेगुलर आप जो है लेते हैं ये सब जूसेस गर्मियों में, तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स होने वाली है आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। डाइजेशन भी आपका बहुत ही मजबूत बनाता है। और अगर खास करके गर्मी में अगर आप डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में पानी की कमी हो जाती है, आप वर्क कर रहे हैं पानी की कमी हो जाती है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, उल्टियां आने लग जाती हैं, पित्त बढ़ जाता है, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स गर्मियों में आती हैं। तो अगर आप नियमित रूप से अगर सेवन कर रहे हैं मौसमी का, तो ये जो उल्टी दस्त होने वाले गर्मियों की वजह से जो उल्टी दस्त होते हैं ये प्रॉब्लम्स आपको होगी ही नहीं। इस टाइप के जितने भी गर्मियों के आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में बिल्कुल हॉस्पिटल भरा होता है गर्मियों के रोग से, तो ये जितने भी रोग होते हैं जो गर्मियों की वजह से आते हैं, अगर आप इस तरीके से जैसे कि मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि आपको कैसे कैसे क्या पीना है, तो आप बिल्कुल जितने भी गर्मियों के जो रोग होते हैं उन सबसे आपको बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये पी सकते हैं, एप्पल पी सकते हैं, एप्पल जूस पी सकते हैं, ये 1 लीटर में भी आता है, और ऑरेंज भी 1 लीटर में आता है, ये 200 ml के अंदर भी आता है। तो एक्चुअली एक आदमी को 200 ml ही लेना चाहिए, तो आप अगर चाहें तो आप ये अलग से भी ले सकते हैं, प्राइस में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। आप इस तरीके से आप जो है बाय कर सकते हैं, अगर 1 लीटर में लेना है, फैमिली है सभी के साथ में लेना चाहते हैं तो 1 लीटर में भी ले सकते हैं। और एप्पल में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इसके अंदर एनर्जी बहुत ही जबरदस्त मिलती है। आप कहीं से भी आए हुए हैं तो जस्ट आए, आपको थकान थकान सा लग रहा है, आप एप्पल जूस पी लीजिए, बिल्कुल इमीडिएट एनर्जी जबरदस्त मिलेगी। इसके अंदर जो एनर्जी आपको मिलती है 66.8 किलो कैलोरीज का जो है इसके अंदर आपको एनर्जी मिल जाती है, जो कि ये सभी फ्रूट्स जूस से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मिलता है, जो कि आपके बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही जबरदस्त मदद करता है। तो आप जो है आप इसको भी पी सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नियमित आपको रखना है वो आपको मैंगो जूस लेना है, और उसके बाद जो है ये ऑरेंज जूस लेना है, मौसमी का जूस लेना है, ये 3 चीज बहुत ही ज्यादा लेना है आपको, और बाकी जो है इसको 1-2 दिन छोड़ करके आप ले सकते हैं, परमानेंटली इसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो रहा आपका ड्रिंक। उसके बाद गर्मी ज्यादा है तो उसके लिए आप अमूल ब्रांड में अगर हम चलते हैं तो अमूल के अंदर ये जो है बहुत ही अच्छा पैक बनाता है, अमूल छाछ, ये मसाले वाला छाछ है, यानी कि बटर मिल्क जिसको हम बोल सकते हैं, मट्ठा जिसको आप लोग काफी लोग जानते होंगे, तो ये एक्चुअली मसाले के साथ ही मिक्स होकर के आता है। गर्मी में किसी भी प्रकार का अगर डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जो भी खाना खाया हजम नहीं हो रहा है, आपने मसाले वाला कहीं पर भी खाना खा लिया वो हजम नहीं हो रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सीने में जलन होने लगा, पेट में जलन होने लगा, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स हो जाती है खाने के बात, तो आप जो है ये छाछ ले सकते हैं, मात्र 10 रुपए का ये मिलता है आपको अमूल का, और ये शहरों में लगभग हर जगह अवेलेबल है, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ गया है, जैसे कि मेरा ग्रामीण क्षेत्र है यहां पर भी आ गया है, तो काफी लोग लाइक करने लगे हैं, आप ये ले सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से घर में मिलता है तो तब तो कोई बात ही नहीं है, आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन इसको जो है मैक्सिमम इसका जो टाइमिंग होता है लेने का, आप कभी भी इसको दोपहर में लें, खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद छाछ बहुत ही जबरदस्त वर्क करता है। और उसी के साथ में एक लस्सी भी आती है, भी अमूल का ही, ये मीठी लस्सी होती है, ये मसाले वाली होती है छाछ, और ये मीठी लस्सी होती है, इसके अंदर जबरदस्त कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, जो कि अगर परमानेंट आप यूज करते हैं इसको लेते हैं तो कैल्शियम की कमी आपके बॉडी के अंदर नहीं होगी, और बिल्कुल कैल्शियम जबरदस्त हो जाएगा, यानी कि आपकी हड्डियां जबरदस्त मजबूत हो जाएंगी, प्रोटीन और कैल्शियम को भरपूर मात्रा में आपके शरीर में ये जो है बनाए रखता है। तो आप इसको ले सकते हैं, लस्सी हो या छाछ, ये कभी भी दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं। और बाकी जो जूसेस होते हैं, खास करके मैंगो जूस कभी भी आप खाली पेट ना लें,
खाने के बाद सुबह में नाश्ता जो करते हैं, ब्रेकफास्ट जो करते हैं, उसके बाद जो है आप मैंगो जूस ले सकते हैं। दिन में कभी भी ले सकते हैं, कोई भी मेहमान आ गया आपका तो आप ले सकते हैं मैंगो जूस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी के जो जूसेस हैं इनका सही परिणाम आपको मिलेगा जब जब आप सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट के बाद आप लेते हैं। खाली पेट बहुत ही अच्छा एक्शन नहीं रहता। अगर खाली पेट लेना है तो आप मौसमी का जूस ले सकते हैं या फिर संतरे का जूस ले सकते हैं। लेकिन सही परिणाम के लिए डेली सुबह आप नाश्ते में लिया करें। और जरूरी नहीं है कि इनमें से जो आपको सही लगे परमानेंटली पूरे मंथ वही लें, पूरे साल वही लें। आप बदल बदल करके लेते रहें, यानी कि एक दिन ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद जो है मौसमी हो गई, या फिर दिन में जरूरत पड़ गई, दिन में ऐसा लग रहा है आपको पीना चाहिए तो आप अक्सर मैंगो पिया करें, जूस ना पिए दिन में, मैंगो ले लिया करें, वो काफी बेनिफिट होगा आपके लिए। और अक्सर जो बाकी के जूसेस हैं उनको आप जो है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लें। तो इस तरीके से अगर आप रूटीन बना करके चलते हैं तो बिल्कुल 100% जितनी भी गर्मियों के वजह से होने वाले रोग हैं वो कोई भी रोग आपको छू नहीं सकेगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप घर में रहते हो, ऑफिस जाते हो, बाहर काम करते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा गर्मी है, धूप में है, अगर आपको बाहर जाना है तो जाने से पहले आप 200 ml के आसपास आप मैंगो जूस पी करके चले जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद आते हैं, थक जाते हैं तो आप उस वक्त जो है एप्पल जूस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसके बारे में, इमीडिएट आपको एनर्जी देगा और तुरंत जो है आप अपने काम में लग सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो है आप ड्रिंक का रूटीन्स बनाएं अपने लाइफ में और गर्मी के रोगों से बिल्कुल भी दूर हो जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कोल्ड ड्रिंक छोड़ करके आपको क्या पीना है। कुछ नहीं रखा कोल्ड ड्रिंक में, अगर परमानेंट कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो आप शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग हो गए हैं कोल्ड ड्रिंक के वजह से शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट पे बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, शेयर जरूर करें अपने फेसबुक ग्रुप से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी लोगों को पता लगे, सभी लोग रोग मुक्त हो सके। क्योंकि बहुत लोग ग्रसित हैं, कोल्ड ड्रिंक पी पी करके अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, अपनी उम्र को घटा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर पीते हैं तो आपकी त्वचा हमेशा जवान रहेगी। इस टाइप के रूटीन्स को अपनाते हैं और आप बिल्कुल भी स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में तक इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप की बहुत सारी जानकारी मैं लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ऑडियो जंगल।